नाउ वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ रिजर्व रिजर्व जो है ओवरऑल टू टाइप्स के होते हैं कैपिटल रिजर्व एंड रेन्यू रिजर्व रेन्यू रिजर्व को फर्दर कैटेगराइज किया गया है थी थ्री कैटेगरीज में जनरल रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व तो हम इस वीडियो में हम कैपिटल रिजर्व रेन्यू रिजर्व जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व को कवर करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बना देंगे जिसमें हम सीक्रेट रिजर्व को डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे तो स्टार्ट करते हैं रेन्यू रिजर्व से रेन्यू का मतलब होता है जो भी हमने अपनी बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी की सपोज मेरा बिजनेस है क्लोज को सेल करने का तो क्लोथ सेल कर कर करके जितना भी मेरा पैसा या सेल्स करके जितना भी पैसा आया जनरेट हुआ उसको हम रेन्यू कहते हैं इस रेन्यू में से अगर कुछ पार्ट हम निकाल के अलग कर ले रेन्यू से प्रॉफिट जनरेट होगा प्रॉफिट से हम अगर कुछ अपना पार्ट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के अलग रख दे उसको हम रेन्यू रिजर्व कहेंगे कौन से प्रॉफिट में से बिजनेस प्रॉफिट में से ध्यान रखिएगा चलिए देखिए यहां पे एक आ, सिंपल सा डायग्राम बना है बिजनेस मेक्स प्रॉफिट प्रॉफिट में से मैंने रिजर्व अलग किया इस रिजर्व को मैंने कह दिया रेन्यू रिजर्व ये अब थियोरिटिकल पार्ट देखते हैं क्या है रेन्यू रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी सिंपल देखिए एक दिन ईजी लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है कि रेन्यू रिजर्व क्या है प्रॉफिट से क्रिएट किए जाते हैं जो प्रॉफिट बिजनेस के एक्टिविटी ऑपरेशन एक्टिविटी से किया गया जो बिजनेस की एक्टिविटी है उससे जनरेट हुआ दैट आर रेन्यू रिजर्व इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में शो किए जाते हैं एज एन एप्रोप्रिएशन शो करते हैं चार्ज की तरह शो नहीं करते हैं इट कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज ये जो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं उनका यूज़ किस पर्पज से किया जा सकता है जो थ्री एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस स्टेबलाइजिंग द डिविडेंड रेट डिविडेंड देने के लिए शेयर होल्डर्स को सपोज शेयर होल्डर है मेरी कंपनी में तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को मिलेगा तो वो कहाँ से लाया जाएगा पैसा रिजर्व से ला सकते हैं या फिर प्रॉफिट में जो जनरेट हुआ है उससे ला सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल इज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस अगर हमें अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना है तो हम दो मेरे पास ऑप्शन है और अलग से पैसा लगा दें या फिर जो प्रॉफिट मेरा जनरेट हो रहा है उसी का कुछ हिस्सा अलग रखते जाए और उसको बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर दें तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में भी रेन्यू रिजर्व का यूज़ किया जा सकता है तो थर्ड इज़ स्टेबलाइजिंग द डिविडेंट रेट सपोज कंपनी जो है हर साल पाँच रुपये एक शेयर पे डिविडेंट की तरह देती आ रही है अब इस साल कंपनी का सपोज प्रॉफिट उतना नहीं हुआ लेकिन डिविडेंट का आ रहा है थ्री रुपीज़ कंपनी मेंटेन रखना चाहती है कि पाँच रुपये दे तो वो रिज़र्व से निकाल लेगी पैसा और डिविडेंड को पाँच रुपये तक बना देगी तो डिविडेंड को स्टेबलाइज जो रेट है उसको स्टेबलाइज रखने के लिए इन रिज़र्व का यूज़ किया जाता है डिविडेंड वो हिस्सा होता है प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है सपोज अगर मेरी फर्म है तो फर्म में प्रॉफ़िट बढ़ जाएगा रेशियो में अगर मेरी कंपनी है कंपनी में तो शेयर होल्डर होते हैं ना तो शेयर होल्डर को तो शेयर्स के हिसाब से पैसा मिलता है एक शेयर है तो एक शेयर का प्रॉफिट का हिस्सा तो इसलिए डिविडेंड यूज़ किया जा रहा है हम यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं नाउ रेन्यू रिजर्व को कैटेगराइज किया गया है थ्री कैटेगरीज में विच आर जनरल रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व अब जनरल रिजर्व को देखते हैं क्या है रिजर्व पहले हम एक बार क्लासीफाई कर लेते हैं रेन्यू रिजर्व आर डिवाइडेड टू पार्ट्स एंड ईच इज केप्ट असाइड फॉर अप्रोप्रेशन ऑफ प्रॉफिट ये अप्रोप्रेशन ऑफ प्रॉफिट की तरह अलग रखे जाते हैं जो भी रिजर्व हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व स्पेसिफिक एंड सीक्रेट रिजर्व जनरल रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अब हम जनरल रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है जर्नलिज्म जनरल रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैप्ट असाइड फॉर जनरल पर्पज एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंपनी जनरल पर्पज के लिए रखे जाते हैं कि किसी भी पर्पज के लिए यूज किए जा सकते हैं इन रिजर्व को और इससे मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है कंपनी की वो स्ट्रांग रहेगी इट डज़ नॉट हैव एनी स्पेशल पर्पज इसका कोई स्पेशल पर्पज नहीं होता है कि इसी पर्पज के लिए यूज करना है ये रिजर्व टू फुलफिल एंड कैन बी यूज फॉर एनी यूजफुल रीजन इन फ्यूचर कोई भी यूजफुल रीजन के लिए फ्यूचर में इस रिजर्व को यूज किया जा सकता है सच रीजन इंक्लूड मीटिंग कंटिजेंसीज एंड एक्सपेंशन दैट कैनॉट बी फोर्स इन इन रिजर्व्स को जैसे अचानक से कोई कंडिगजेंसी अराइज हो जाए कोई रिस्क आ जाए तो लॉस हो जाए तो उसको कवर uh, अप करने के लिए इन रिजर्व को यूज़ किया जा सकता है या फिर फ्यूचर में एक्सपेंशन का कोई प्लान नहीं था अचानक से आगे कोई हमें अपॉर्चुनिटी दिखी तो उसको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी वो रिज़र्व को हम एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ कर लेंगे तो इन परपज़ के लिए जनरल रिजर्व को हम यूज़ कर सकते हैं जनरल रिजर्व इज द अमाउंट कैप्ट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट अर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ द ऑपरेशन टू मीट फ्यूचर नीड्स अभी हमने आपको बता दिया जैसे कंटिजेंसी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल बढ़ानी है अगर पेइंग डिविडेंड्स अगर डिविडेंड पे करना है ऑफ सेटिंग स्पेसिफिक फ्यूचर लॉसेज अगर कोई लॉसेज हुए हैं मेरे स्पेसिफिक नेचर के उनको ऑफसेट करने के लिए इन रिजर्व का यूज़ किया जाता है जनरल रिजर्व इज कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोक्रिएशन अकाउंट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है तो ये जो प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के रखा गया वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाल के रखा गया तो ये अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट का पार्ट होता है सेकेंड इज योर स्पेसिफिक रिजर्व फिर आता है सीक्रेट रिजर्व सीक्रेट रिजर्व को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में फिर कैपिटल रिजर्व पे अभी हम स्टार्ट करेंगे आगे तो पहले स्पेसिफिक रिजर्व देखते हैं क्या है द रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्पज इज नोन एज स्पेसिफिक रिजर्व नेम से ही समझ में आ रहा है कोई एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाया गया कि इसके लिए ही यूज होगा ये पैसा अदरवाइज नहीं यूज होगा इनको हम स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं कुछ से हम आपको डिटेल में समझाते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अच्छा ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या है सपोज कंपनी हर साल फिफ्टी रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है एक शेयर पे हर शेयर होल्डर को इस साल प्रॉफिट उतना नहीं हो पा रहा है कि फिफ्टी रुपीज का डिविडेंड दे पाए कंपनी क्योंकि उतना प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हुआ कंपनी का तो कंपनी पहले से रिजर्व बना के चल रही है डिविडेंड के डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के नाम से इस साल सपोज फोर्टी रुपीज़ का डिविडेंड दिया है लेकिन हर साल फिफ्टी मिनिमम देती है तो वो फिफ्टी मेंटेन रखने के लिए क्योंकि इस साल तो नहीं हुआ इतना प्रॉफिट कि फिफ्टी दे पाए फोर्टी दे रही है तो वो मैंटेन रखने के लिए टेन रुपीज़ वो कहाँ से लाएगी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से तो ये रिजर्व स्पेसिफिक नेचर का है डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए ही यूज़ किया जाएगा सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और सपोज मैंने कहीं इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी है फिफ्टी लाख रुपीज़ की और उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है सपोज फिफ्टी से वो फोर्टी फाइव लाख हो गई तो फाइव लाख ,00 का मेरा लॉस हो गया तो इस लॉस को कवर अप करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है तो उसमें से हम इसको एडजस्ट कर देंगे मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज इट इज दिखेगी फिफ्टी लाख ,00 तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होते हैं स्पेसिफिक नेचर के होते हैं डिबेंचर रिडम्पन रिजर्व डिबेंचर रिडम्पन रिजर्व को समझने के लिए यू शुड नो अबाउट वॉट आर डिबेंचर्स डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन होते हैं कंपनी को अगर लोन चाहिए तो वो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है लिख कर देगी कि हम आपसे दस साल के लिए लोन ले रहे हैं ये लीजिए डॉक्यूमेंट और पैसा दे दीजिए तो डिबेंचर दस साल बाद लौटाने होंगे ना उसका पैसा तो उसको लौटाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा हम स्पेसिफिक नेचर का रिजर्व बनाते जाएंगे हर साल दस साल तक बनाएंगे सपोज uh, जो भी डिबेंचर का अमाउंट है वो डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व में कलेक्ट हो जाएगा तो वो उससे हम रिडीम कर देंगे रिडीम मतलब रीपेमेंट डी रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट सपोज़ मुझे कोई सपोज़ मैंने आज एक मशीन खरीदी है फिफ्टी लैक्स की उसको मुझे रिप्लेस करना है दस साल बाद रिप्लेस सपोज दस साल बाद उसकी वैल्यू हो जाती है एक करोड़ रुपये तो वन करोड़ रुपीज़ कहाँ से आएंगे हम रिज़र्व पहले से बना के चलेंगे सपोज़ हर साल डिप्रिसिएशन के नाम का हमने रिज़र्व में अमाउंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और इतना अमाउंट कलेक्ट किया कि फ्यूचर में वो टेन ईयर बाद वो वन करोड़ बन जाए तो ऐसे रिजर्व को हम रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट कहते हैं एसेट के लिए बनाया गया है और उसको इसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा नाउ आफ्टर रेन्यू रिजर्व नेक्स्ट कैटेगरी इज योर कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व इज डिफरेंट फ्रॉम रेन्यू रिजर्व इन विच मैनर लेट्स अ कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड अपॉन रीवैल्युएशन ऑफ एन एसेट मेरी एसेट है एक सपोज एक बिल्डिंग है फिफ्टी करोड़ की है उसकी उसको जब मैंने रीवैल्यू करवाया तो उसकी वैल्यू आ गई सेवेंटी करोड़्स तो टेन करोड़ मेरा इंक्रीज कर गई ना बिल्डिंग की वैल्यू में एसेट है बिल्डिंग मेरी तो ये टेन करोड जो मेरे पास जनरेट हुआ एक्सेस अमाउंट वो प्रॉफिट नहीं कहलाएगा वो गेन कहलाता है तो ये जो एक्स्ट्रा आया इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये कैसे जनरेट हुआ है एसेट को रीवैल्यू करने की वजह से और रेन्यू रिजर्व कैसे जनरेट हो रहा था प्रॉफिट में से निकाल कर जो बिजनेस का प्रॉफिट है क्लोज सेल करके जो मैंने प्रॉफिट जनरेट किया तो यही डिफरेंस है कैपिटल एंड रेन्यू रिजर्व में तो आपको ध्यान रखना है कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं जो एसेट को रीवैल्यू करके बना दिए जाए और भी एग्जाम्पल हैं जो भी हम आगे देखेंगे द कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं जो गेन हुआ है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं एंड आई यूजअली नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर इसको कैपिटल लॉस में एडजस्ट करने के लिए रखा जाता है सपोज मेरी अगले साल वैल्यू जो है आ, एसेट की बिल्डिंग की कम हो जाए पाँच फाइव करोड़ से तो ये जो कैपिटल रिजर्व हमने क्रिएट कर रखा था टेन करोड़ का प्रॉफिट गेन की वजह से उसमें ये एडजस्ट कर दिया जाएगा बांटा नहीं जाएगा ये एज अ रूल दे कैनॉट बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कोर ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी इसको ये कैपिटल रिजर्व जो बनाए जाते हैं ये प्रॉफिट से नहीं बनाए जाएंगे ये सिर्फ रीवैल्यूएशन रीवैल्यू हो जाए कोई एसेट या कैपिटल गेन हो जाए उसी से जनरेट किए जाते हैं आते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं तो और डिटेल में समझ में आएगा फर्स्ट एग्जांपल इज प्रॉफिट अर्नड ऑन द सेल ऑफ फिक्सड एसेट सपोज मेरी मशीनरी है टेन लाख की उसको मैंने ट्वेल्व लाख में सेल कर दिया तो मेरा काम नहीं है मशीन को सेल करना मेरा काम है क्लोज बनाना मैंने मशीन को सेल कर दिया है तो ये एसेट है मेरी एसेट को सेल करने पे जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी मेरा बिजनेस नहीं था इन्वेस्टमेंट करने का लेकिन कर रखी थी वहाँ पर से कुछ प्रॉफिट जनरेट हो गया तो वो भी कैपिटलिज्म का पार्ट होगा प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस कोई बना बनाया बिजनेस मैंने खरीद लिया कम में खरीदा मैंने मार्केट की वैल्यू से कम में खरीदा तो वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट होगा जितने कम में खरीदा मैंने प्रॉफिट जनरेटेड ऑन द रीवेल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बताई चुके मेरे पास एक एसेट है फिफ्टी लाख फिफ्टी करोड़ की टेन करोड एक्स्ट्रा हो गया उसका प्रॉफिट जनरेट हो गया वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट है इसी तरह लाइबिलिटी सपोज मेरे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है फिफ्टी रुपीज़ और मैंने उसको सिक्सटी रुपीज़ में इशू किया मार्केट में और लोग ले भी रहे हैं और परचेज़ भी कर लेते हैं और टेन रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के जाते हैं ना सिक्स फिफ्टी का सिक्सटी दे के जा रहे हैं तो टेन रुपीज़ जो एक्स्ट्रा मेरे पास आया वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट कहलाएगा इसी तरह डिवेंचर इशू करते हैं लोन तो उसमें भी यही कंडीशन लग जाती है अब आते हैं इसको और डिटेल में समझते हैं कैपिटल रिजर्व को सम एलोकेटेड टू अ कैपिटल रिजर्व आर परमानेंटली इन्वेस्टेड एंड कैनॉट बी यूज टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स इसको परमानेंटली इन्वेस्ट कर दिया जाता है इसको छुआ भी नहीं जाता है कि बांट दें लोगों में ऐसा नहीं किया जाएगा कि अपने शेयर होल्डर्स को बांट दें इसका पैसा वो तो परमानेंटली इन्वेस्टेड रहेंगे दे आर ईयर मार्क्ड और स्पेसिफिक पर्पज़ सच एज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिटिगेशन ऑफ कैपिटल लॉसेज और, और एनी अदर लॉन्ग टर्म कंडिक्जेंसी इनका यूज़ सिर्फ इन जो तीन कैटेगरी दी है इसी में यूज़ किया जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है या कैपिटल लॉस हो जाए मेरा जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो उसमें यूज़ किया जा सकता है या लॉन्ग टर्म अचानक से लॉन्ग टर्म मेरे पर कंटिकजेंसी आ गई लॉन्ग टर्म लोन आ गया तो उसके लिए ये रिजर्व यूज़ किए जाएंगे कैपिटल रिजर्व हैज नथिंग टू डू विथ ट्रेडिंग और ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एज इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें कोई भी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटेड कुछ नहीं है ये नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है बिजनेस अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एसेट को सेल करने से मेरा जो जनरेट होता है प्रॉफिट तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती हैं जो प्रॉफिट जनरेट होता है बिजनेस एक्टिविटी करने से सपोज़ मेरा बिज़नेस है बाइक सेल करने का तो बाइक सेल कर करके जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मेरा रेन्यू का नेचर होगा सपोज़ मैंने बाइक बनाने वाली मशीन को सेल करके प्रॉफिट जनरेट करिए वो कैपिटल का पार्ट होता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है जो बिजनेस कोर एक्टिविटी होती है दस कैपिटल रिजर्व आर नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ऑपरेशनल हेल्थ ऑफ़ अ बिज़नेस मेरे बिजनेस में दिख रहा है कि एसेट को बेच मैंने फिफ्टी करोड्स कमा लिए तो इससे मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे बिजनेस की पोजीशन बहुत हेल्दी है बिजनेस की हेल्दी पोजीशन तभी पता चलेगी जो मैं अपना बिजनेस स्कोर बिजनेस कर रहा हूँ उससे जो मैंने प्रॉफिट जनरेट किया एसेट बेच कर जनरेट किया वो नहीं कहलाएगा कुछ आते हैं ऑब्जेक्टिव देखते हैं कैपिटल रिजर्व के सरप्लस अमाउंट इज क्यों बनाए जाते हैं कैपिटल रिजर्व सरप्लस अमाउंट इन कैपिटल रिजर्व मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ये राइटिंग ऑफ फाइनेंशियल लॉसिज जो होते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए हेल्प करते हैं बहुत इट इज़ यूज टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अगर हैं कंपनी के तो उनको फाइनेंस करने के लिए उनके लिए पैसा जनरेट करने के लिए कैपिटल रिजर्व यूज़ किया जाता है इट हॉज़ इन इशूइंग बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर सपोज़ मेरे पास एक शेयर है कंपनी का कंपनी कैपिटलिज्म में से पैसा निकाल रही है और बोनस के नाम से डबल शेयर कर दे रही है वन इज़ टू वन तो बोनस शेयर इशू करने के लिए भी किया जा सकता है डिविडेंड देने के लिए नहीं किया जाएगा ध्यान रखिएगा शेयर्स को डबल करवा देगा वो डिविडेंड नहीं देगा क्योंकि डिविडेंड तभी मिलता है जब प्रॉफिट जनरेट होता है वो भी कोर एक्टिविटी से एक तरह से फ्रॉड हो जाता है कंपनी लोग क्या करती हैं एसेट को बेच डिविडेंड की तरह बांट देती है तो ऐसा नहीं होता है वैसे इट इज़ मेनटेन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंपनीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस आ जा जाए कंपनी के ऊपर बंद होने वाली हो तो कैपिटल रिजर्व का जो रिजर्व है उसको यूज करके कंपनी को बचाया जा सकता है सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिजर्व रेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल